हेलो किड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल नीट एम्स बायोलॉजी बायोमेनिया। और बच्चों, मैं हूं आपके बायोगुरु और आज हम लोग करने जा रहे हैं एनिमल किंगडम का पार्ट टू। पार्ट वन में मैंने आप लोगों को मोलस्का तक पढ़ा दिया था, एनसीईआरटी की सारी इंपॉर्टेंट लाइंस कवर करा दी थी, साथ में वहां तक के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके या तो एग्जाम में पहले आ चुके हैं आपके मेडिकल एग्जाम में या इंपॉर्टेंट थे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सब मैंने आपको करा दिए थे। जिन बच्चों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है वो उसे देख लें, उसके बाद ही वो इस वीडियो को कंटिन्यू करें, अदरवाइज उनको अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगा। सेम वही प्रोसीजर मैं इस वीडियो में भी करूंगी। यहाँ पे मैं आपको फाइलम इकाइनोडर्मेटा से स्टार्ट करूंगी और इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करने के बाद में हम लोग 15 से 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो आपके पहले एग्जाम में या तो आ चुके हैं या आपके आगे आने वाले मेडिकल एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि बीच में जो मैंने इंपॉर्टेंट लाइंस है उनको अच्छी तरह से एक्सप्लेन भी किया है और जो क्वेश्चंस हैं वो रियली आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। फाइलम इकाइनोडर्मेटा, ये फाइलम जो इकाइनोडर्मेटा है ये एक्चुअली इंडोस्केलेटन इनका जो बना होता है वो कैल्केरियस ऑसिकल्स से बना होता है। मैं लाइन को नहीं पढ़ रही हूँ, मैं डायरेक्टली आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि हमारा टाइम जो है वो सेव हो। यस, जो एडल्ट इकाइनोडर्म्स होते हैं दे आर रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, लेकिन जो लार्वा होता है वो बाइलेटरली सिमेट्रिकल होता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था और ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है कि जो लार्वा होता है इकाइनोडर्मेटा का सिमेट्री उसकी पूछी जा चुकी है, और वैसे भी सिमेट्री पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और सीलोमेट एनिमल्स होते हैं, यानी कि इनमें सीलोम पाई जाती है, यानी कि गुहा जो है वो पाई जाती है। डाइजेस्टिव सिस्टम इनका जो होता है वो कंप्लीट होता है, वो माउथ जो होता है इनमें बस ये एक डिफरेंस रहता है कि जो माउथ होता है वो लोअर वेंट्रल साइड में होता है और जो एनस होती है दैट इज ऑन द अपर एंड डॉर्सल साइड। ठीक है, सो दैट थिंग इज वेरी डिफरेंट एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने स्पॉन्जेस में पढ़ा था कि इनमें वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है, ठीक उसी तरह से जो इकाइनोडर्म्स होते हैं उनमें वाटर वस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, और ये जो वाटर वस्कुलर सिस्टम है बच्चों ये हेल्प करता है इनको लोकोमोशन में, कैप्चरिंग यानी कि प्रे की कैप्चरिंग में, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में एंड रिस्पायरेशन यानी कि गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है। एक्सक्रेटरी सिस्टम इनमें कम्प्लीटली एब्सेंट होता है, सेक्स जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं, रिप्रोडक्शन जो होता है दैट इज़ कम्प्लीटली सेक्शुअल, फर्टिलाइजेशन इसमें जनरली क्या होता है एक्सटर्नल होता है, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट विथ फ्री स्विमिंग लार्वा। ठीक है, इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो है एस्टेरिस यानी कि स्टारफिश, इकाइनस, एंटीडॉन, सीलीली भी जिसे कहते हैं, कुकुमेरिया, सी कुकुम्बर एंड ऑफ्यूरिया यानी कि ब्रिटल स्टार, जिसमें से ब्रिटल स्टार एंड सी लिली ये थोड़े से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो आपको डायग्राम दे रखा है वो आपको एस्टेरिस का दे रखा है और ऑफ्यूरिया का दे रखा है, बी वन इज़ द ऑफ्यूरिया एंड फर्स्ट वन इज़ द एस्टेरियस। नेक्स्ट है आपका फाइलम दैट इज़ द हेमीकॉर्डेटा। हेमीकॉर्डेटा जो है इनको पहले हम कॉर्डेटा फाइलम के अंडर में ही रखते थे एज अ सब फाइलम दे रखा था, लेकिन बाद में इसको सेपरेट कर दिया गया है। ठीक है, तो हेमीकॉर्डेट्स हैव अ रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर इन द कॉलर रीजन कॉल्ड स्टोमोकॉर्ड, अ स्ट्रक्चर सिमिलर टू नोटोकॉर्ड। इनमें नोटोकॉर्ड की तरह ही एक सिमिलर स्ट्रक्चर पाया जाता है कॉलर रीजन में, तो उसको क्या कहा गया है, स्टोमोकॉर्ड कहा गया है। द फाइलम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल ग्रुप ऑफ वॉर्म लाइक मराइन एनिमल्स विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज ऑफ ऑर्गन सिस्टम टाइप। बॉडी जो होती है इनकी सिलेंड्रिकल होती है, आप ये खुद ही यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, और ये बनी हुई होती है तीन पार्ट्स में, दैट इज द एंटीरियर प्रोबोसिस, एक कॉलर एंड अ लॉन्ग ट्रंक। ठीक है, ये जो पोर्शन है अपर वाला दैट इज द प्रोबोसिस, दिस इज द कॉलर पोर्शन एंड दिस इज द ट्रंक पोर्शन, ये जो आपको दिख रहा है दैट इज द ट्रंक पोर्शन। सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है इसमें ओपन टाइप होता है, यानी कि जो भी सेल्स हैं टिश्यूज हैं वो सारे क्या होंगे, ब्लड में कम्प्लीटली सबमर्ज्ड होते हैं। और रिस्पायरेशन जो होता है इनमें गिल्स के थ्रू होता है। एक्सक्रेटरी ऑर्गन इज द प्रोबोसिस ग्लैंड, ये अक्सर पूछी गई है, नाम से ही डायरेक्ट आती है, तो ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों। सेक्स जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं एंड फर्टिलाइजेशन जो होता है एक्सटर्नल होता है। अभी तक हमें कॉर्डेटा से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है तो डेफिनेटली आगे ज़रूर आएंगे इनसे। इसके एग्जांपल्स आपके पास में है बैलेनोग्लॉसस, ये जो दिया है ये बैलेनोग्लॉसस का ही दे रखा है। दूसरा है आपका सैकोग्लॉसस। अब हम मूव करते हैं फाइलम कॉर्डेटा में।
फाइलम कॉर्डेटा का मैंने आपको जो मेन फीचर है वो पहले ही बताया था कि प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड इट मींस दैट इज द कॉर्डेटा, और जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होती है दैट कम्स अंडर द नॉन कॉर्डेट्स। ठीक है, तो पहला लाइन आपको यहाँ पे देखिए, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड होती है, अ डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड एंड पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स पाई जाती है, ये इनके मेन फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे डायग्राम देखिए, यहाँ पे जो आपको पतली वाली लाइन यानी कि नोटोकॉर्ड जो है दैट इज द नर्व कॉर्ड, और जो मोटी है इसके नीचे आप देखिए ये जो थिक लाइन सी दिख रही है दैट इज द नोटोकॉर्ड। ठीक है, ये इसका पोस्ट एनल पार्ट हो गया, और ये इसके क्या होते हैं, गिल स्लिट्स होते हैं। ये बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं यानी कि इनमें 3 जर्म लेयर्स पाई जाती हैं, ट्रू सिलोमेट होते हैं विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, अब मैं आपको एक डिफरेंस दिखाती हूँ जो कि कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स के बीच में है। इसके सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो इंपॉर्टेंट ना हो। ठीक है, कॉर्डेट्स में जो है नोटोकॉर्ड जो होती है वो प्रेजेंट होती है, जबकि नॉन कॉर्डेट्स में एबसेंट होती है, हम सभी को पता है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल हॉलो एंड सिंगल होता है। नॉन कॉर्डेट्स में जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि जो CNS है दैट इज वेंट्रल सॉलिड एंड डबल। फेरिंग्स जो होते हैं वो परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स, इसमें गिल स्लिट्स क्या होती हैं नॉन कॉर्डेट्स में, एब्सेंट होती हैं। कॉर्डेट्स में हार्ट जो होता है वो वेंट्रल होता है, और नॉन कॉर्डेट्स में अगर हार्ट प्रेजेंट होता है एग्जाम्पल अर्थवॉर्म तो कौन सा होता है, डॉर्सल प्रेजेंट होता है। अगर प्रेजेंट होता है, वैसे तो नहीं होता है लेकिन अगर प्रेजेंट है, एग्जाम्पल इसका हो गया अर्थवॉर्म, तो वो कैसा होता है, डॉर्सल होता है। अब पोस्ट एनल पार्ट टेल इज प्रेजेंट होती है, और इसमें पोस्ट एनल टेल इज एब्सेंट होती है नॉन कॉर्डेट्स में। फाइलम कॉर्डेटा जो है इसको डिवाइड किया गया है 3 सब फाइलम में। ठीक है, पहला क्या है, यूरोकॉर्डेटा जिसको हम ट्यूनिकाटा के नाम से भी जानते हैं, दूसरा है सिफेलोकॉर्डेटा, एंड द थर्ड वन इज द वर्टिब्रेटा। सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा जिनको हम मिलाकर के क्या बनाते हैं, दैट इज द प्रोटोकॉर्डेट्स कहा जाता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि प्रोटोकॉर्डेट में कौन से 2 सब फाइलम आते हैं। ये एक्सक्लूसिवली मराइन होते हैं। यूरोकॉर्डेटा जो होता है नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल। नोटोकॉर्ड कहाँ पे प्रेजेंट है बच्चों, सिर्फ लार्वल टेल में प्रेजेंट है, वाइल इन सिफेलोकॉर्डेटा इट एक्सटेंड्स फ्रॉम हेड टू टेल। ठीक है, यूरोकॉर्डेटा से जब थोड़ा और एडवांस हुआ तो दैट इज अ सिफेलोकॉर्डेटा, और यहाँ पे वो पहले टेल में थी, लार्वल टेल में थी, बट यहाँ पे जो है वो हेड से लेकर के टेल रीजन तक पूरा प्रेजेंट है, और थ्रू आउट लाइफ प्रेजेंट रहती है। वहाँ पे लार्वल स्टेज में सिर्फ आ रही थी, यहाँ पे थ्रू आउट देयर लाइफ प्रेजेंट होती है। एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस चैप्टर के, क्योंकि अगर आप क्वेश्चंस की बात करें तो 70-80% क्वेश्चन जो होते हैं वो एग्जाम्पल पे ही बेस्ड आते हैं, तो इसके सारे एग्जाम्पल्स आपको अच्छी तरह से लर्न करने हैं, सारे डायग्राम्स एंड सारे टेबल्स इसके आपको लर्न होने चाहिए। यूरोकॉर्डेटा, एसीडिया, सैल्पा, डोलियोलम में सिफेलोकॉर्डेटा में आते हैं आपके ब्रैंकियोस्टोमा, एम्फियोक्सिस और लैंसलेट। ठीक है, द मेंबर्स ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेटा पजेसेस नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। द नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय अ कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम इन द एडल्ट। जब सब फाइलम वर्टिब्रेटा है उसमें नोटोकॉर्ड जो होती है वो एम्ब्रियोनिक फेज में प्रेजेंट होती है, लेकिन वो बाद में रिप्लेस हो जाती है किसके थ्रू, एक कार्टिलेजिनस या फिर आप कह सकते हैं बोनी स्केलेटल सिस्टम या फिर वर्टिब्रल कॉलम के थ्रू रिप्लेस हो जाती है। सो दस ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। इसीलिए कहा गया है कि जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं वो सारे तो कॉर्डेट हैं, लेकिन ऑल कॉर्डेट्स जो हैं वो वर्टिब्रेट्स नहीं हैं। इसमें वेंट्रल मस्कुलर हार्ट होता है जिसमें हर एक स्पीशीज में अलग अलग चैम्बर्स होते हैं, किसी में 2 होते हैं, किसी में 3, किसी में 4 चैम्बर होते हैं। किडनी मेनली एक्सक्रीशन के लिए यूज़ होती हैं और ऑस्मोरेगुलेशन भी करती हैं। एंड पेयर्ड अपेंडिजेस पाए जाते हैं विच में भी फिन्स, जो मराइन होते हैं उनमें जनरली फिन्स पाए जाते हैं और बाकी लिम्स भी पाए जाते हैं, एंड अर्थ वाले जितने हैं उनमें मोस्टली लिम्स पाए जाते हैं। ठीक है, एरियल में भी लिम्स होते हैं और उसमें फिन्स भी होते हैं। फिर आता है जो पेयर्ड अपेंडेजेस होते हैं वो फिन्स भी पाए जाते हैं इसमें और लिम्स भी पाए जाते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन देयर नेसेसिटी। फिर यहाँ पे देखिए एक बहुत अच्छा सा चार्ट दे रखा है आपको जिसमें वर्टिब्रेटा को सिर्फ स्पेशली डिवाइड किया गया है, एंड दैट चार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्विक रिविजन के हिसाब से ये चार्ट बहुत ही अच्छा है।
वर्टिब्रेटा को दो डिवीजन किए गए हैं, ठीक है। पहला है आपका एग्नेथा, दूसरा है ग्नैथोस्टोमेटा। जो एग्नेथा है उसका मतलब है वहाँ पे लैक ऑफ जॉ, और ग्नैथोस्टोमेटा है उसमें जॉज प्रेजेंट होते हैं, ठीक। एग्नेथा में सिर्फ एक ही क्लास है, दैट इज़ द साइक्लोस्टोमेटा। ओके, साइक्लोस्टोमेटा से अभी तक तो क्वेश्चन नहीं आए हैं, लेकिन आगे के एग्जाम्स में ये इंपॉर्टेंट है। जो ग्नैथोस्टोमेटा है जिसमें जॉज प्रेजेंट होते हैं, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। दो सुपर क्लास आप कह सकते हैं इसकी हैं, दैट इज़ द पाइसिस एंड टेट्रापोडा। पाइसिस वो होती हैं जिनमें फिन्स प्रेजेंट होते हैं, टेट्रापोडा वो होते हैं जिसमें लिम्स प्रेजेंट होते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि पेयर डिपेंडेजेस होते हैं फिन्स एंड लिम्स, तो वही चीज़ है यहाँ पे। जो पाइसिस है उसमें जो दो क्लासेस आपके पास में है, दैट इज़ द कॉन्ड्रिस्थाइस एंड ऑस्ट्रिस्थाइस। एंड टेट्रापोडा जो है उसमें फोर क्लासेस होती हैं, एम्फीबिया होती है, रेप्टिलिया होती है, एवीज होती है एंड मैमल्स होते हैं, ठीक। अब देखते हैं हम लोग पहले एग्नेथा वाला देख लेते हैं क्या है इसमें। क्लास जो है साइक्लोस्टोमेटा, अभी तक तो नहीं आते रहे हैं इससे क्वेश्चन, लेकिन ऐसा हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और कई इसमें चीज़ ऐसी हैं जो बिल्कुल डिफरेंट है, तो आगे क्वेश्चन आ सकता है इसमें, ठीक। सो ये साइक्लोस्टोमेटा जो होते हैं, दे आर एक्टोपैरासाइट्स ऑन सम फिशेस, ठीक। इनमें इलोंगेटेड बॉडी होती है जो 6 to 15 पेयर गिल स्लिट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं रिस्पायरेशन के लिए। साइक्लोस्टोम्स हैव अ सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जॉ। सर्कुलर माउथ होता है, सकिंग होता है, लेकिन उसमें जॉज नहीं प्रेजेंट होते हैं। देयर बॉडी इज डिवॉइड ऑफ स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स। उनकी बॉडी जो होती है वो स्केल्स और फिन से कवर्ड होती है। क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम जो होती है वो कार्टिलेजिनस होती है। सर्कुलेशन जो होता है वो क्लोज टाइप होता है, यानी कि पूरा प्रॉपर आर्टरीज वेन्स इनमें होता है। एंड साइक्लोस्टोम्स आर मराइन बट माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग टू द फ्रेश वाटर। वे जनरली तो मराइन ही होते हैं, लेकिन जो स्पॉनिंग के लिए वो क्या है, फ्रेश वाटर में चले जाते हैं। आफ्टर स्पॉनिंग विद इन अ फ्यू डेज फ्रेश वाटर में जा रहे हैं बच्चों, तो इसका मतलब वो मराइन से रिवर्स में जा रहे हैं, ठीक है। तो फ्लो कहाँ हो रहा है, अपोजिट हो रहा है। तो यहाँ पे जो है स्पॉनिंग होती है, स्पॉनिंग के बाद में वो कुछ दिनों के बाद में वहाँ पे वो ईटिंग एंड रिमेनिंग जो उनकी एक्टिविटी जो होती है वो सब स्टॉप हो जाती है। कुछ दिन के बाद में उनके जो लार्वा होते हैं वो वापस से मेटामॉर्फोसिस होने के बाद में ओशियंस में रिटर्न हो जाते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं, डेड हो जाते हैं उसके बाद में। इसके जो आपके पास में एग्जाम्पल हैं, पेट्रोमाइजोन लैम्प्रे जिसे कहते हैं एंड माइक्सिन जिसे हम हैग फिश कहते हैं, दोनों ही एग्जाम्पल इसके इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई कि साइक्लोस्टोम जो होते हैं वो माइग्रेट कर जाते हैं मराइन एनवायरनमेंट से फ्रेश वाटर में, और फिर वहाँ पे स्पॉनिंग होती है जहाँ पे ये बाकी एक्टिविटीज़ फूड इनटेक ये सब प्रोसेस क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। बाद में ये डेड हो जाते हैं, लेकिन इनके जो लार्वा होते हैं वो मेटामॉर्फोसिस के बाद में क्या करते हैं, वापस से मराइन एनवायरनमेंट यानी कि सी ओशियन में रिटर्न हो जाते हैं, ठीक है। फिर आती है हमारी नेक्स्ट क्लास, आप ये देख लीजिए एग्जाम्पल इसका देख लीजिए, पेट्रोमाइजोन का दे रखा है। फिर आती है नेक्स्ट क्लास कॉन्ड्रिस्थाइस, ठीक है। कॉन्ड्रिस्थाइस जो है दे आर मराइन एनिमल्स होते हैं, डेफिनेटली मराइन्स होते हैं। स्ट्रीमलाइंड होती है इनकी बॉडी ताकि वो वाटर में तेज़ी से फ्लो कर सके। एंड कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन इनमें पाया जाता है। माउथ जो होता है वो वेंट्रली लोकेटेड होता है। नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ, मतलब पूरी लाइफ नोटोकॉर्ड अवेलेबल होती है। गिल स्लिट्स जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं एंड विदाउट ओपरकुलम, यानी कि ओपरकुलम मतलब गिल्स के ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती है। जो स्किन होती है इनकी वो टफ होती है, कंटेनिंग माइन्यूट प्लैकॉइड स्केल्स उस पर प्रेजेंट होते हैं, माइन्यूट स्केल्स। और जो टीथ होते हैं वो मॉडिफाइड होते हैं प्लैकॉइड स्केल्स विच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड। जो कि प्लैकॉइड स्केल्स होते हैं वही मॉडिफाई होकर के क्या बनाते हैं, टीथ बनाते हैं जो कि बैकवर्ड साइड में डायरेक्टेड होते हैं। इनमें एयर ब्लैडर की एब्सेंस होती है और दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग, इसलिए इनको कॉन्स्टेंटली स्विम करना पड़ता है डूबने से बचने के लिए। आपके पास में यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है स्कॉलियोडॉन एंड प्रिस्टिस का दे रखा है, ये कार्टिलेजिनस फिश होती हैं। स्कॉलियोडॉन को हम डॉग फिश भी कहते हैं। इनमें से कुछ जो होते हैं उनके पास में इलेक्ट्रिक ऑर्गन पाए जाते हैं, जैसे कि टॉर्पीडो होता है। पॉइजन स्टिंग जो होता है उसको हम कहते हैं ट्राइगोन, इसके पास में पॉइजन स्टिंग पाई जाती है। ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, यानी कि पॉइकिलोथर्म्स होते हैं। कोल्ड ब्लडेड यानी कि इनके अंदर ये कैपेसिटी नहीं होती है कि अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर ले, ठीक है। जो कोल्ड ब्लडेड नहीं होते उनमें वार्म ब्लडेड होते हैं, उनके अंदर ये कैपेसिटी होती है कि वो बॉडी को, होम्योथर्म्स भी जिन्हें कहते हैं, वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को एनवायरमेंट के अकॉर्डिंगली रेगुलेट कर लेते हैं। इन मेल्स फिन पेल्विक फिन बियर्स क्लास्पर्स प्रेजेंट होते हैं। मेल्स के पेल्विक फिन्स पर
एंड इसके जो एग्जाम्पल हैं वो आपकी हो गई स्कॉलियोडॉन डॉग फिश और प्रिस्टिस, उसको हम सॉ फिश के नाम से भी जानते हैं, दोनों ही एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके कार्केरोडॉन जिसे हम शार्क जानते हैं एंड ट्राइगोन स्टिंगरे होती है। ठीक है, एग्जाम्पल्स बार बार मैं आपसे बच्चों बोल रही हूँ, इसके एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पूरे चैप्टर में आप एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से लर्न करिए, है ना। नेक्स्ट आता है क्लास ऑस्टिच थाइज। ठीक है, ऑस्टिच थाइज जो होते हैं ये मराइन भी होते हैं और फ्रेश वाटर भी होते हैं, एंड बोनी इंडोस्केल्टन इनका होता है, वहाँ पे जो था बोनी नहीं था लेकिन यहाँ पे जो है बोनी है। दे हैव फोर पेयर्स ऑफ गिल्स विच आर कवर्ड बाई एन ऑपरकुलम ऑन ईच साइड। आपने देखा था वहाँ पे जो है वो ऑपरकुलम यानी कि गिल कवर के थ्रू कवर्ड नहीं होते थे, बट यहाँ पे कवर होता है ऑपरकुलम के थ्रू। स्किन इज कवर्ड विद साइक्लॉइड स्टीनॉइड स्केल्स, स्किन जो होती है वो स्टीनॉइड स्केल्स के थ्रू कवर होती है जिसे हम साइक्लॉइड भी कहते हैं। एंड एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट विच रेगुलेट्स बायोंसी, इनमें एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है जो इसकी बायोंसी को रेगुलेट करता है। हार्ट जो होता है वो टू चैम्बर्ड होता है, एक ऑरिकल होता है जिसमें एक वेंट्रिकल होता है। दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, ये भी क्या है कोल्ड ब्लडेड होते हैं और इनके सेक्स सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन यूजुअली एक्सटर्नल होता है और दे आर मोस्टली ओवीपेरस एंड डेवलपमेंट कैसा होता है डायरेक्ट। इसके एग्जाम्पल्स आपको दे रखे हैं एग्जोक्वेटस फ्लाइंग फिश, हिप्पोकैम्पस, सी हॉर्स, फ्रेश वाटर की जो होते हैं आपके लैबियो होती है जिसे रोहू फिश भी कहते हैं, काटला है एंड क्लैरियास है। एक्वेरियम में जो है दैट इज द बेटा फाइटिंग फिश एंड टेरोफाइलम एंजल फिश भी जिसे कहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्लास आपकी आती है दैट इज द एम्फीबिया। एम्फीबिया वो क्लास होती है, इसका मतलब ये एक्वेटिक भी होते हैं साथ साथ टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, यानी कि ये एम्फीबियंस होते हैं, दोनों ही एनवायरनमेंट में ये सर्वाइव कर लेते हैं। इनकी बॉडी जो होती है वो डिवाइडेड होती है हेड में और ट्रंक पार्ट में। ठीक है, तो टेल मोस्ट में भी प्रेजेंट इन सम, टेल सब में प्रेजेंट नहीं होती है, कुछ में हो सकती है। द एम्फीबियन स्किन जो होती है वो ज़्यादातर इनको पानी में रहना होता है, हालांकि ये टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, बट जो स्किन इनकी होती है वो मॉइस्ट होती है विदाउट स्किल ताकि उसको कोई डैमेज ना हो। एंड आइज में जो है आईलिड्स पाए जाते हैं। और टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स द ईयर, इनमें जो टिम्पैनम होता है वो ईयर्स को रिप्रेजेंट करता है। एंड एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स ओपन इनटू अ कॉमन चैम्बर कॉल्ड क्लोएका विच ओपन्स टू द एक्सटीरियर। एलिमेंट्री कैनाल हो गई एंड यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ये तीनों ही एक कॉमन चैम्बर में ओपन होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं क्लोएका कहते हैं, और ये क्लोएका जो है वो बाहर की तरफ खुलती है। और इनमें रिस्पायरेशन जो होता है वो तीन टाइप से होता है, डिपेंड करता है कि वो किस टाइम कहाँ पे प्रेजेंट है, यानी कि एक्वाटिक है टेरेस्ट्रियल है किस जगह पे वो है। तो गिल से भी होता है, टेरेस्ट्रियल होते हैं जब वो अर्थ मतलब जब आपके लैंड पे अवेलेबल है तो उस टाइम पे लंग्स से हो रहा है, एंड स्किन्स के थ्रू भी इनमें होता है। ठीक है, द हर्ट इज थ्री चैम्बर्ड, हर्ट जो होता है वो थ्री चैम्बर्ड होता है, यानी कि टू ऑरिकल्स होते हैं एंड वन वेंट्रिकल होता है, और ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। इसके एग्जाम्पल हो गए आपके बूफो हो गया, राना टिग्रिना हो गया, हाइला है जिसे ट्री फ्रॉग भी कहते हैं, सेलामेंडर हो गया, इक्थायोपिस हो गया, लिम्बलेस एम्फीबिया भी जिसे कहते हैं। जो एग्जाम्पल आपको यहाँ पर डायग्राम दे रखा है सेलामेंडर का है और राना टिग्रिना यानी कि फ्रॉग का दे रखा है। इसके बाद में आपकी आती है क्लास रेप्टीलिया। जैसा कि नाम ही बता रहा है रेप्टीलिया जो है तो इसका मतलब ये क्रीपिंग और क्रॉलिंग मोशन को शो करते हैं, क्योंकि इसका मीन ही यही होता है रेप्रम रेप्टम टू क्रीप और क्रॉल। देयर बॉडी इज कवर्ड बाई ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन, जो इनकी बॉडी होती है वो ड्राई और कॉर्निफाइड स्किन के थ्रू कवर होती है। एपिडर्मल स्केल्स और स्कूट्स इनसे भी कवर होती है। दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग, नहीं होती है इनमें, टिम्पैनम रिप्रेजेंट करते हैं ईयर को। हार्ट जो होता है वो यूजुअली थ्री चैम्बर्ड होता है, बट फोर चैम्बर्ड किस में पाया जाता है क्रोकोडाइल में पाया जाता है, तो दैट इज एक्सेप्शन एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट। रेप्टाइल्स जो होते हैं ये पॉइकिलोथर्म्स होते हैं। स्नेक्स एंड लिजार्ड शेड देयर स्केल्स एज स्किन कास्ट, स्नेक जो होते हैं अपनी स्किन शेड करते हैं ये तो आपको पता ही होगा, तो ये स्नेक्स जो लिजार्ड जो होते हैं ये अपनी स्किन को या अपने स्केल्स को कास्ट करते हैं या शेड करते हैं। सेक्स जो है वो सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन जो होता है वो इंटरनल है। दे आर ओवीपेरस एंड डेवलपमेंट जैसा होता है डायरेक्ट होता है। एग्जाम्पल्स दे रखे हैं आपको कि लॉन टर्टल, टेस्ट्यूडो, कैमेलियन, कैल्टस, क्रोकोडाइलस जिसे क्रोकोडाइल होता है, एलिगेटर हो गया, हेमीडेक्टाइलस हो गया, पॉइजनस स्नेक, नाजा कोबरा,
बैंगरोस क्रेट वाइपरा जिसे वाइपर भी कहते हैं, ठीक है। तो ये इसके एग्जाम्पल है, सारे एग्जाम्पल्स मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, इसका मतलब सारे एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट हैं। फिर उसके बाद आती है हमारी नेक्स्ट क्लास, दैट इज़ अवीज। कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर जो होते हैं अवीज के, वो मेन सभी को पता होंगे, वो होते हैं फेदर्स, ठीक है। ये जो होते हैं सारे अवीज में, आप जितनी भी बर्ड्स हैं आप सारे इनको इसी में रख दीजिए, और इनमें से कुछ एक्सेप्शन ऐसे होते हैं जो फ्लाई नहीं कर पाते हैं, जैसे एमू हो गया, ऑस्ट्रिच हो गया, ये फ्लाइटलेट्स बर्ड्स होते हैं। सो स्किन एंड ड्राई विदाउट ग्लैंड, इनमें जो है स्किन पे कोई भी ग्लैंड नहीं पाई जाती है, एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड एट द बेस ऑफ द टेल, सिर्फ इनके टेल के बेस पे एक ऑयल ग्लैंड पाई जाती है। एंडोस्केल्टन इज फुल्ली ऑसिफाइड, जो होता है फुली बोनी होता है। द लॉन्ग बोन्स आर हॉलो विद एयर कैविटीज, जो इनकी लॉन्ग बोन्स होती हैं वो ऊपर से तो स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लियर होता है, बट अंदर से क्या होती हैं, एयर कैविटीज प्रेजेंट होती हैं, यानी कि हॉलो होती हैं, और जिस वजह से इनको क्या कहा जाता है, न्यूमैटिक कहा जाता है। न्यूमैटिक पे कई बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। और ये ऐसा इसलिए होता है ताकि इनकी बॉडी का वेट जो है वो कम हो और ये ईजिली फ्लाई कर सके। डाइजेस्टिव ट्रैक जो होता है बर्ड्स में, वो एडिशनल चैम्बर होता है, द क्रॉप एंड गिजार्ड जिसे कहते हैं। हार्ट जो होता है वो कम्प्लीटली 4-chambered होता है। दे आर वार्म ब्लडेड होते हैं, होम्योथर्मस जिसे कहते हैं, और यानी कि इनके अंदर एक कैपेसिटी होती है कि अपने बॉडी के टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, न्यूफ्रॉन, स्ट्रूथियो एंड पिस्टियोकुला एंड पावो, पावो यानी कि हमारा पिकॉक। एयर सैक्स कनेक्टेड टू लंग्स सप्लीमेंट रिस्पायरेशन, ठीक है। एयर सैक्स जो होते हैं वो लंग्स से कनेक्टेड होते हैं और रिस्पायरेशन की प्रोसेस हो रही है यहाँ पे। ये सभी ओवीपैरस होते हैं, एग्जाम्पल आपको देखिए दे रखा है, कॉर्वस, कोलम्बा, पिस्टैकुला, स्ट्रूथियो जिसे ऑस्ट्रिच भी कहते हैं, पावो, पीकॉक, एपेंडाइटिस, पेंगुइन एंड नियोफ्रॉन वल्चर। इसके बाद में आती है क्लास मैमेलिया। क्लास मैमेलिया का जो सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, दैट इज द मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, दैट इज द मेमरी ग्लैंड, एंड दैट इज फॉर द नरिश प्रोवाइड नरिशमेंट टू देयर यंग वंस, ठीक है। और ये हर जगह पे पाए जाते हैं, आइस वाले एरिया में भी होते हैं, डेजर्ट्स में भी होते हैं, माउंटेन में भी होते हैं, वाटर में भी होते हैं, फॉरेस्ट में भी होते हैं, ग्रासलैंड में भी होते हैं, डार्क गेव्स में भी होते हैं, एयर में भी होते हैं, वाटर के अंदर भी होते हैं, ठीक है, एवरीवेयर दे आर प्रेजेंट। इनमें जो होते हैं 2 pair लिम्स के पाए जाते हैं, ये वॉक कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, क्लाइंब, बरोइंग, स्विमिंग, फ्लाइंग, एवरीथिंग दे कैन डू, मोस्ट एडवांस्ड। ये देखिए आपको एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे, ओरिन्थोराइनिकस, मैक्रोपस, टेरोपस एंड बैलियंटोप्टेरा, ठीक है। ये चारों एग्जाम्पल, चारों एक इंपॉर्टेंट है, चारों को मैंने हाईलाइट कर रखा है। इनका जो स्किन होती है मैमल्स की, वो एक यूनिक होती है, नेचर इसका यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होती है, यानी कि उसमें हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, एक्सटर्नल हेयर्स आर जो होते हैं, और पिन्नी अभी तक कहीं नहीं थे, इनमें पिन्नी जो होते हैं वो पिन्नी, इनमें जो है वो पिन्ना प्रेजेंट होते हैं, अभी तक कहीं पे भी आपने नहीं देखा था। ये डिफरेंट टाइप्स के टीथ प्रेजेंट होते हैं जॉज में, और ये होम्योथर्मस होते हैं, यानी कि अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। हार्ट जो होता है इनमें 4-chambered होता है बच्चों, रिस्पायरेशन विद द लंग्स होता है, सेक्स सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, ठीक है। ये सभी विवीपैरस होते हैं, लेकिन एक एग्जाम्पल है, दैट इज द ओवीपैरस, एंड दैट इज मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, ठीक है। ओवीपैरस होता है ये प्लैटिपस जो है, और बाकी सारे जो हैं वो आपके विवीपैरस है, कंगारू हो गया, फ्लाइंग फॉक्स, कैमल, मंकी, रैट, डॉग, कैट, एलिफेंट, बहुत सारे हैं, ठीक है, पैंथरा लियो, पैंथरा टाइग्रिस, टाइगर। फिर इसके बाद में जो आपको दे रखा है यहाँ पे, एक साइलेंट फीचर्स ऑफ डिफरेंट फाइला इन द एनिमल किंगडम, यहाँ पे उनके सारे दे रखे हैं, और इसमें आपको फाइलम नेम यहाँ पे दे रखा है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बता रखा है। एक्चुअली दिस टेबल इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर द रिविज़न पर्पज, जब आप पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे उसके बाद आप रिविज़न अगर करना चाहें तो वो इसे टेबल से कर सकते हैं, ठीक। सिमेट्री दे रखी है, समय रेडियल, बायलेटरल्स किस में क्या है, सीलोम किस में प्रेजेंट होती है, किस में एब्सेंट होती है, ये दे रखी है। सेगमेंटेशन कैसा है, किस में हो रहा है, किस में नहीं है, एब्सेंट है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है या एब्सेंट है। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन है, एब्सेंट है, प्रेजेंट है। रिस्पायरेटरी सिस्टम डिस्टिंक्टिव फीचर क्या है उनके, मेनली ये इंपॉर्टेंट है कि क्या स्पेशल फीचर है, ठीक है। तो ये सारा आपको टेबल से देखना है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारी चीज़ें हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं। इसी के साथ में हमारा ये जो एनिमल किंगडम चैप्टर है वो कम्प्लीट होता है, लेकिन अभी हमें रुकना नहीं है,
क्योंकि अभी हम करने जा रहे हैं इसके इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस, जो कि इसी जो पोर्शन मैंने आपको अभी भी पढ़ाया है उसी पे ही कम्प्लीटली बेस्ड हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है बिना टाइम को वेस्ट किए। अच्छा बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, और अगर आपके पास कोई सजेशन है तो आप वो सजेशन मुझे दीजिए ताकि उसे मैं इंक्लूड कर सकूं और उसे और अच्छा इम्प्रूव कर सकूं। ठीक है, चलिए हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है एनिमल्स फ्लोटिंग और स्विमिंग इन सरफेस फिल्म ऑफ वाटर आर, जो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं दैट इज़ द न्यूस्टॉन, लेक्टॉन, पिलेजिक एंड सिस्टॉन। इसका जो एक सही करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ द ए ऑप्शन, न्यूस्टॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिस्टमैटिक पोजीशन ऑफ इकाइनोडर्म्स इज बिटवीन, यानी कि इकाइनोडर्म जो है वो कहाँ पे सिस्टमैटिकली प्लेस किया गया है क्लासिफिकेशन सिस्टम में। तो उसको बच्चों मोलस्का और हेमिकॉर्डेटा के बीच में प्लेस किया गया है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एनिमल इज करेक्टली मैच विद इट्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर विदाउट एनी एक्सेप्शन। चार ऑप्शन है आपके पास में, एक रेप्टिलिया के बारे में बताया है, पजेजेस थ्री चैम्बर्ड हर्ड विद एन इनकम्प्लीटली डिवाइडेड वेंट्रिकल, बी है आपका कॉर्डेटा पजेजेस अ माउथ विद एन अपर एंड लोअर जॉ, सी है मेमेलिया गिव बर्थ टू द यंग वंस, एंड डी ऑप्शन है कॉन्ड्रिच थाइस पजेजेस कार्टिलेजिनस इंडोस्केलेटन। तो जो डी ऑप्शन है कॉन्ड्रिच थाइस वही आपका करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनिमल्स दैट मूव अबाउट और स्विम अबाउट इन सी आर, ऑप्शंस है प्लैंकटॉन, सिडेंट्री, पेलेजिक एंड बेंथिक। तो करेक्ट ऑप्शन इज द पेलेजिक। आर ड्यूट्रोस्टोमिक एनिमल इज, ऑप्शंस आर हियर सी एनीमोन, स्टारफिश, पर्ल ऑयस्टर एंड कैबेज बटरफ्लाई। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज द स्टारफिश, क्योंकि जब एनस ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक डेवलप्स फर्स्ट फ्रॉम ब्लास्टोपोर एंड द माउथ इज फॉर्म्ड लेटर। ठीक है, एनस जो होती है वो डाइजेस्टिव ट्रैक से डेवलप्ड हो रही है फ्रॉम ब्लास्टोपोर से, और जो माउथ है उसके बाद में बन रहा है। दिस टाइप ऑफ बॉडी प्लान इज नोन एज ड्यूट्रोस्टोमिक, ये मैंने आपको बताया है जब मैंने इकाइनोडर्मेटा बताया है। ठीक है, विच इज फाउंड इन इकाइनोडर्म्स एंड कॉर्डेट्स। नोटोकॉर्ड्स अकर्स थ्रू आउट लाइफ एंड ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ द बॉडी इन, ये भी पढ़ा हुआ क्वेश्चन बिल्कुल आया है, सिफेलोकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा। तो आंसर है इसका ए ऑप्शन, सिफेलोकॉर्डेटा। अब देखिए कैसे डायरेक्टली एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आ रहे हैं, उनकी लाइन से ही क्वेश्चन नोट करके आ रहे हैं, तो अब आप समझ सकते हैं कि एनसीईआरटी को क्यों कह दिया गया है कि इतना इंपॉर्टेंट है लाइन वाइज पढ़ना। ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान इज शोन बाय सिलेंट्रेट्स, प्लेटी एलमेंथीज, एसके एलमेंथीज एंड पोरीफर्स। जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज द एसके एलमेंथीज, बिकॉज इन ट्यूब विद इन अ ट्यूब प्लान द बॉडी ऑफ एनिमल हैज टू ट्यूब, वन फॉर्म्ड बाय द बॉडी वॉल एंड सेकेंड फॉर्म्ड विद इन इट बाय द डाइजेस्टिव ट्रैक। सो दिस टाइप ऑफ बॉडी प्लान इज फाउंड इन एसके एलमेंथीज अप टू द कॉर्डेटा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉडी डज नॉट शो एनी सेगमेंटेशन इन, किसमें बॉडी सेगमेंटेशन शो नहीं करती है। ऑप्शंस हैं फ्रॉग, कॉकरोच, अर्थवॉर्म, स्टारफिश एंड हाइड्रा। तो जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज द स्टारफिश, बाकी फ्रॉग, कॉकरोच एंड अर्थवॉर्म में हमें पता है ना सेगमेंटेशन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोथ मेल एंड फीमेल पिजन्स सेक्रीट मिल्क थ्रू, किसमें मेल और किसके थ्रू जो मेल और फीमेल पिजन्स होते हैं वो मिल्क सेक्रीट करते हैं। ऑप्शन है आपके पास में सलाइवरी ग्लैंड्स, नहीं, मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स, कैन बी क्रॉप या फिर गिजार्ड। तो जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज द क्रॉप, मैंने आपको बताया था पढ़ाते टाइम। टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ओरिजिनेटेड फ्रॉम, कहाँ से टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुआ था, याद करिए बच्चों, पढ़े हमने जब पढ़ा था तो पोरीफेरा पे जो था वहाँ पे नहीं था टिश्यू लेवल, वहाँ पे सेलुलर था, इररेगुलर शेप होती थी, एसिमेट्रिकल होते थे वो। तो यहाँ पे जो है स्टार्ट हो रहा है आपका प्रोटोजोआ नहीं है, पोरीफेरा नहीं है, नाइडेरियंस या प्लेटी एलमंथीज, इन दोनों में से एक हो सकता है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज द नाइडेरियंस। फिर आता है फ्लाइट मसल्स ऑफ बर्ड्स आर अटैच टू क्लेविकल, कील ऑफ स्टर्नम, स्कैपुला या फिर कोराकॉइड। तो जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज द कील ऑफ स्टर्नम। नेक्स्ट है यूथीरियंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय, चार ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं, हेयरी स्किन, ट्रू प्लेसेंटेशन, ओवोविविपैरिटी या फिर ग्लैंडुलर स्किन। तो जो करेक्ट ऑप्शन है बच्चे यूथीरियंस आर स्पेशली कैरेक्टराइज्ड बाय ट्रू प्लेसेंटेशन। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन।
बच्चों अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप इसे लाइक करिए, इट एक्चुअली रियली मोटिवेट्स मी ताकि मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस बना सकूं। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि जो भी मैं वीडियो आपके एग्जाम से रिलेटेड या आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड पोस्ट कर रही हूँ तो वो अपलोड कर रही हूँ तो वो आप लोगों तक ईजिली पहुँच सके, आप लोगों को पता चल जाए, आप लोग उससे बेनिफिट ले सकें, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियल सिमेट्री इज फाउंड इन सिलेंट्रेटा एंड प्लेटीहेलमिंथी, सिलेंट्रेटा एंड इकाइनोडर्मेटा, सी ऑप्शन इज द आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का, डी ऑप्शन इज द पोरीफेरा एंड सिलेंट्रेटा। तो करेक्ट ऑप्शन इज द सिलेंट्रेटा एंड इकाइनोडर्मेटा में भी रेडियल सिमेट्री होती है, एक एक्सेप्शन था यहाँ पे, इकाइनोडर्मेटा के लावा में जो है वो बाइलेट्रल सिमेट्री पाई जाती है। ठीक है, विश बोन ऑफ बर्ड्स इज फ्रॉम, ए ऑप्शन पेल्विक गर्डल, बी स्कल, सी हिंड लिम्स एंड डी इज द पेक्टोरल गर्डल या फिर क्लाविकल्स। जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज द डी ऑप्शन, पेक्टोरल गर्डल स्लैश या फिर क्लाविकल्स। फिश विच कैन बी यूज इन बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ मॉस्किटोज या फिर लार्वी सीडियल फिश भी आप जिसे कह सकते हैं, ऑप्शन आपके पास में है ईल, बी ऑप्शन इज द कार्प, सी ऑप्शन इज द कैट फिश एंड डी ऑप्शन इज द गैम्बूजिया। गैम्बूजिया इज द करेक्ट ऑप्शन और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार गैम्बूजिया फिश पे क्वेश्चन आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज नॉट टिपिकल टू क्लास मैमेलिया, ऑप्शन है एल्वियोलर लंग्स, सेवन सर्वाइकल वर्टेब्री, सी इज द थीकोडॉन डेंटिशन एंड डी इज द 10 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स। जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज द 10 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंसेक्ट रिगार्डेड एज ग्रेटेस्ट मैकेनिकल कैरियर ऑफ डिजीज इज, जो ऑप्शन है आपके पास में पेडिक्यूलस, बी ऑप्शन इज द साइमेक्स, थर्ड इज द मस्का एंड डी ऑप्शन इज द जीनोफाइसला। तो करेक्ट ऑप्शन इज द मस्का डोमेस्टिका। ठीक है, ये मैकेनिकल करियर की तरह बिहेव करती है, कैरियर की तरह बिहेव करती है डिजीज के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन्कोस्फेयर अकर्स इन एस्कैरिस, फेसियोला, टीनिया या डी ऑप्शन प्लानेरिया। तो करेक्ट ऑप्शन इज द टीनिया, सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड ऑफ पेरिटिमा इज, कैसा होता है पेरिटिमा पोस्टुमा का अगर किसी ने डाइसेक्शन किया है तो, ये ब्लू होता है विद हीमोसाइनिन इन कॉर्पस्कल्स या फिर ब्लू विद हीमोसाइनिन इन प्लाज्मा या रेड विद हीमोग्लोबिन इन कॉर्पस्कल्स या डी ऑप्शन रेड विद हीमोग्लोबिन इन प्लाज्मा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज द डी ऑप्शन, रेड विद हीमोग्लोबिन इन प्लाज्मा। सो बच्चों ये थे आपके सारे क्वेश्चंस और ये थ्योरी आपकी जो मैंने एनसीईआरटी से कंप्लीट करा दी है, इंपॉर्टेंट लाइंस, इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स। अगर किसी बच्चे को चाहिए ये पीडीएफ तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी मेल प्रोवाइड कर दे, मैं उसको सेम डे ही मेल कर दूंगी वो हाइलाइटेड पीडीएफ। और बच्चों आप लोगों को पता है इस टाइम पे कोरोना वायरस का कितना ज़्यादा फैला हुआ है, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग घर पर रहिए, घर पर रह करके ही यूट्यूब लेक्चर्स देखिए, कोचिंग इंस्टीट्यूट कहीं पर भी इस वक्त मत जाइए, घर पर ही रह करके पढ़िए और अकेले पढ़ने की कोशिश कीजिए, ग्रुप स्टडीज़ को भी इस टाइम पर थोड़ा सा अवॉइड करिए। ठीक है, घर पे पढ़िए, यूट्यूब लेक्चर्स देखिए, अपनी थ्योरी नोट्स आपके पास में जो भी चीज़ें अवेलेबल है उनको पढ़िए, क्योंकि लाइफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम्स के कंपैरेटिव। ठीक है, तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन, इफ़ यू हैव लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल येट सब्सक्राइब इट एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स सो दैट दे विल ऑल्सो गेट बेनिफिट्स फ्रॉम इट। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन, बाय बाय फॉर दिस टाइम, जस्ट स्टे ट्यून्ड विद बायोमेनिया।